नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज डेट है 29 संडे और डेली जैसे हम लोग आज भी रेडी हो गए हैं, मैं और मेरा दोस्त मुकेश कुमार। और आज हम जाने वाले हैं दिल्ली की तरफ और दिल्ली में जाते हैं और वो दिखाते हैं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। और फर्स्ट पहले तो हमें एम्स जाना है, एम्स के बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं, चलते हैं दिल्ली। हमें जाना था एम्स, तो एम्स के पहले ही पड़ता है कुतुब मीनार, तो मैंने सोचा क्यों ना कुतुब मीनार घूम लूँ। कुतुब मीनार जाने के लिए कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से उतरना पड़ेगा, मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद ऑटो लेंगे, ऑटो से 15-20 रुपये किराया लगेगा, हमें कुतुब मीनार छोड़ देगा। कुतुब मीनार जाने के बाद हम लोग टिकट लेंगे, मैंने ऑनलाइन टिकट ले लिया था, ऑफलाइन टिकट ही मिलता है, मैंने ऑनलाइन लिया था। उसके बाद करेंगे एंट्री, एंट्री करने के लिए एंट्री गेट से जाएंगे और एंट्री करने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा रहेगा और ऊंचाई आप लोग देख सकते हो। सुबह से बारिश हो रहा था, बारिश की वजह से कुछ कम भीड़ है, ऐसे बहुत भीड़ होता है यहाँ। उसके बाद हम लोग पास गए थोड़ा बहुत, और मैं और मेरा दोस्त मुकेश, और पास जाने के बाद ऊंचाई का पता चलता है, बहुत ऊंचा है कुतुब मीनार। अरे चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं और दिखाते भी हैं कुतुब मीनार में कैसा क्या है। आगे जाने के बाद फोटो लेंगे थोड़ा बहुत, आगे बढ़ते हैं। और देखिए आंटी एकदम फोटो ले रही है सो के। और कुतुब मीनार के पास जाने के बाद मालूम चलता है भाई क्या हाइट है इसकी, आप देख सकते हो कितनी हाइट है, यहाँ से पूरा ऊपर नहीं दिख रहा। और यहाँ तो ताले लगे हैं, ये पता ना क्या उर्दू में लिखा है, समझ में नहीं आ रहा था, आपको समझ में आया था आप बताओ क्या लिखा हुआ है। इधर आना भाई, बारिश की वजह से हम लोग घूम नहीं पा रहे हैं अच्छे से। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, भीड़ बहुत लगी है, देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ कुतुब मीनार के चारों साइड ये नाली टाइप का बना हुआ है, नाला टाइप का, काफी गहरा है, दिखा रहे हैं। ये लकड़ी का पुल है, लकड़ी के पुल से पहले जमाने में लकड़ी का पुल यूज किया था, इसको हटा भी दिया जाता था टाइम आने पे। और इसके बाद चलते हैं ऊपर, ऊपर जाने के बाद घबरा है पता ना, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है, आप लोगों को पता है तो आप लोग बताएंगे कमेंट में, कमेंट करके, मुझे उतना पता नहीं है। मैं दिखा रहा हूँ, मैं आप लोग देख सकते हो, और मेरे साथ मेरा दोस्त है, उसको भी कुछ पता नहीं है कि यहाँ क्या क्या है, और ये कुछ तो बोल ही नहीं रहा। और चलते हैं आके और अंदर से दिखाते हैं, और पिलरों पे क्या क्या बना हुआ है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, अभी अंदर के साइड में बना हुआ है। और चलते हैं आगे, आगे जाने के बाद ये इस दूसरी साइड में, ये यहाँ जाने के बाद ये देख सकते हैं कैसे कैसे दीवारें हैं और दीवारों पे क्या क्या बना हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि ये क्या बना हुआ है, ये क्या है। और ये देखो, ये अंग्रेज लोग इसी में फोटो ले रहे हैं। और ये देख सकते हो कलश टाइप का कुछ बना हुआ है, मुझे तो कंफर्म समझ में नहीं आ रहा, बट आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग बताओ। उसके बाद चलते हैं दूसरी साइड में, दूसरी साइड में जाने के बाद ये वैसे ही है जिससे मैंने बताया था कि नाला टाइप का, इस साइड में दूसरी साइड में मैं दिखा रहा हूँ मैं, हाँ इधर। उसके बाद चलते हैं अभी दूसरी साइड, बहुत घूमना है अभी पूरा घूमना है, बारिश भी आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, घूमें या फिर लौट जाएं। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है, ऐसा इतना ऊंचा दिख रहा है, ऐसे तो ऊंचा दिख नहीं रहा है लेकिन सामने से देखने बाद बहुत ऊंचा है। और ये दीवारें पहले की हैं, दीवारों में देख सकते हैं अभी तो वैसे ही जुड़ा हुआ है, और पहले के ज़माने में सीमेंट का यूज होता नहीं था, और फिर भी इतने मजबूत दीवारें हैं। इसके बाद यहाँ है मुकाबरा, ठीक यहाँ से अब निकलने के बाद जब आगे जाएंगे हम तो एक तालाब है उस साइड, दूसरी साइड लेके चल रहा हूँ मैं, यहाँ से जाएंगे नीचे, नीचे जाने के बाद उस साइड दूसरी साइड जाएंगे, दूसरी साइड चलते हैं अभी और दिखाते हैं।
बच्चे रील्स वील्स बनता हुआ यहाँ, लड़के रील्स बना रहे हैं। अरे भाई लड़ना नहीं, हट जा, उसके बाद चलते हैं और आगे। और ये देखो पर चढ़ के बंदरों जैसा फोटो खिंचवा रहे हैं ये लोग। यहाँ से लकड़ी का फीसा सीढ़ी है नीचे उतरने के लिए, और नीचे उतरते हैं दौड़ा धीरे धीरे। बरसात का दिन है, कहीं पैर ना फिसल जाए। और ये देखो चल दिया, चलते हैं आगे। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर पिछली इस साइड कुआं है और इस साइड ये तालाब टाइप का है। पहले के ज़माने में ऐसे तालाब हुआ करता था, बट अभी तो सूखा पड़ा है। मैं दिखाता अभी, दिखा रहे आपको। ये पीछे के साइड में ऐसा कुछ नज़ारा है। और इसके सी के साथ हम रिटर्न होंगे, क्योंकि बारिश तेज़ हो गई है। और हम चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।